بسم الله الرحمن الرحيم. आज का सवाल है, मैयत का बाल और नाखून बढ़ गया हो, लंबा हो गया हो, तो क्या उसका काटना जरूरी है नीज दीनी मालूमात हासिल करने और इस्लाम का पैगाम आम करने में? हमारी मदद के लिए हमारे इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। आइए जवाब सुनते हैं। इसके अगर हल देखना चाहें तो फतावा शामी में देखें, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 198 पे, असली जीनत पे सफा नंबर 32 पर मौजूद है, जिसका खुलासा यह है कि जो मैयत है उसके बदन से नाखून काटना या बाल काटना मकरूह तहरीमी है, जायज़ नहीं है, गुनाह मिलेगा। अगर कोई मैयत है, मर गया है, मुर्दा है, तो उसका नाखून बड़ा बड़ा हो गया है या फिर बाल बहुत लंबा लंबा हो गया है, तब भी मर्द किसी इंसान के लिए ये इजाज़त नहीं है कि वो मुर्दे के बदन से नाखून काटे या फिर जो है बाल काटे, जायज़ नहीं। आजकल देखा जाता है, बहुत सारी जगहों पे ये नज़र आ रहा है, ये काम करते हुए देख रहा हूँ, मैं खुद देखा हूँ अपनी आँखों से, कि जब मुर्दा मर जाता है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जब उसका नाखून बड़ा रहता है तो काट देते हैं, या फिर लंबा बाल रहता है तो काट कर छोटा कर देते हैं। ये सब मना है, मकरूह है, ये सब शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है, सख्त कराहत है, मकरूह तहरीमी है, गुनाह मिलेगा अगर ऐसा करेंगे। हाँ, याद रखें, अगर कोई गलती से काट देता है, मसला मालूम नहीं था, काट दिया, तो अब जो बाल या नाखून काटा है उसको उसी कफन में रख दे, अलग से उसको दफन वगैरह करने की इजाज़त तो है लेकिन मुनासिब नहीं है। सही तरीका यह है कि अगर गलती से काट देता है और कोई बताने वाला बताता है कि ये गलत कर रहे हो तुम, शरीयत के खिलाफ है, और उसे एहसास होता है, तो वो जो नाखून या बाल वगैरह काटा है वो उसी कफन में रख दे, कफन के साथ लेकर जो है कब्रिस्तान में रख दे, ताकि उसके साथ वो दफन। यूट्यूब के जरिया घर में बैठकर दीनी तालीम हासिल करने, खास कर मसला मसाइल जानने के लिए हमारे इस चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर क्लिक करें।